Look at this question. A new sequence is obtained from the sequence of positive integers 1, 2, 3 and so on by deleting all the perfect squares. Then the 2022, that is 2022nd term of the new sequence is 1, 2, 3, 4 and so on. मान लीजिए अगर मैं 2022 तक भी जाता हूं तो यहाँ पर हमें कुछ परफेक्ट स्क्वायर्स हटाने होंगे। कुल कितने परफेक्ट स्क्वायर्स हटेंगे? 45 का जो स्क्वायर है वो होता है 2025। जिस नंबर के लास्ट में 5 आता है अगर आप उसका स्क्वायर करते हैं तो तरीका बड़ा आसान है। 5 का स्क्वायर 25 लिखिए, इस नंबर को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए। दैट मीन्स अगर मैं 2025 तक मूव करूँ तो हमारे पास 45 परफेक्ट स्क्वायर्स आएंगे। और क्योंकि ये 45 परफेक्ट स्क्वायर्स हमें हटाने होंगे, अगर हम ये 45 परफेक्ट स्क्वायर्स हटा दें तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म जो है अब वो 2025 नहीं बचेंगी। वो कितनी बचेंगी? 1980 टर्म्स बचेंगी। क्योंकि हमें 2022 टर्म निकालनी है, हमें यहाँ पर अभी 42 टर्म्स और लिखनी होगी। दैट मीन्स 2025 के बाद अगर हम 42 टर्म्स ऐड कर दें तो हमारा नंबर आएगा 2067। थोड़ा सा इसको अदर वे समझते हैं। अगर हम यहाँ से 2067 तक जाते हैं तो ये टोटल टर्म्स हो गई 2067। यहाँ तक 45 परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, अगर इन्हें हम हटा दें तो 2067 में से 45 हटाने पर 2022 हमारी ये टर्म आ जाएगी और इस टर्म को हम कहेंगे 2022 टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय चूजिंग पॉइंट्स फ्रॉम 7 पॉइंट्स ऑन अ लाइन and 5 points on another parallel line is. हमारे पास में दो पैरेलल लाइंस हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक आसान क्वेश्चन है। यहाँ हमारे पास में 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 पॉइंट्स हैं और यहाँ पर हमारे पास में 5 पॉइंट्स हैं। ट्राइंगल बनाने की शर्त क्या है? हमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स चाहिए। तो हम तीनों पॉइंट्स यहां से नहीं ले सकते, तीनों पॉइंट्स यहां से नहीं ले सकते, बट क्या हम 2 पॉइंट्स यहां से और 1 यहां से ले सकते हैं? यस, एंड देन 1 यहां से और 2 यहां से ले सकते हैं। फर्स्ट केस, 2 पॉइंट्स यहां से वी कैन सेलेक्ट देम इन 7C2 वेज एंड 1 पॉइंट फ्रॉम हियर 5C1 वेज, और 1 फ्रॉम हियर 7C1 एंड 2 पॉइंट्स फ्रॉम हियर 5C2। 7C2 होता है 21, 7 into 6 upon 1 into 2, 42 upon 2, 21 into 5, ये हो गया यहाँ पर 105। 7C1 होता है 7, 5C2 होता है 10, 5 into 4 upon 1 into 2। सो दोनों को ऐड करने पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 175। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणा परचेजेज अ सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स फॉर इंडियन ₹20। लेट अस से नंबर ऑफ एप्पल्स परचेज है X, 20 रुपीज इनकी प्राइस है, एंड अ सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज फॉर इंडियन ₹25 ईच। मैंगोज लेट अस से ये क्वांटिटी है Y, प्राइस है ₹25। इफ शी सेल्स ऑल द एप्पल्स एट 10% प्रॉफिट, 10% होता है 20 का 2, तो एक एप्पल पे अगर हमें ₹2 का प्रॉफिट मिल रहा है तो X एप्पल्स पे हमें प्रॉफिट मिलेगा 2X का। एंड ऑल द मैंगोज एट 20% लॉस, 10% होता है 2.5, 20% 5, एक मैंगो पे ₹5 का लॉस हो रहा है तो Y मैंगोस पे ₹5 का हमें लॉस हो रहा है। ओवरऑल शी मेक्स नीदर प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब है यहाँ जो प्रॉफिट हुआ है, यहाँ जो लॉस हुआ है, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो नेट रिजल्ट 0 होगा। तो 5Y को राइट साइड ले जाते हैं, 2X इज इक्वल टू 5Y, X अपॉन Y इज इक्वल टू 5/2। तो नंबर ऑफ एप्पल्स और नंबर ऑफ ऑरेंजेस का रेशियो हमारे पास आ गया है। तो यहाँ भी हम एक काम कर सकते हैं, लेट अस से एप्पल्स हैं 5K और मैंगोज हैं 2K। नेक्स्ट कंडीशन पे फोकस करें, इफ शी सेल्स ऑल द एप्पल्स एट 20% लॉस, 10% होता है 2, 20% 4, मतलब अगर ₹4 का लॉस हो रहा है ऑन 1 एप्पल तो 5K एप्पल्स पे लॉस होगा, 5K मल्टीप्लाइड बाई -4। and all the mangoes at 10% profit, 10% होगा ₹2.5, एक मैंगो पे अगर ₹2.5 का प्रॉफिट है तो 2K मैंगोस पे हमारी प्रॉफिट होगा 2K into 2.5 प्लस हमने लिखा है क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। ओवरऑल शी मेक्स अ लॉस ऑफ इंडियन ₹150 दैट मीन्स -150 हमें यहाँ लिखना होगा, लॉस हो रहा है। 5k इंटू 4 -20k एंड ये वैल्यू हो गई है 5k। दिस इज इक्वल टू -150 -15k इज इक्वल टू -150, k की वैल्यू आ गई है 10। सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर तो नंबर ऑफ एप्पल्स आ जाएंगे 50। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट fx हमें यहाँ पर गिवन है मॉड्यूलस x प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड्यूलस x माइनस 1 प्लस मॉड्यूलस x माइनस 2 प्लस मॉड्यूलस x माइनस 4 प्लस मॉड्यूलस x माइनस 6 प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड्यूलस x माइनस 10 वेयर x माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx हमें पता है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इवन लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, बस डेटा थोड़ा सा चेंज था। अप्रोच क्या होती है, नंबर लाइन पर आप इंडिविजुअली इन सभी को जीरो के इक्वल पुट करते हैं। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी 0, सो दिस इज 0। यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिलेगी 1, यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिलेगी 2, यहाँ पर x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 10। हमें मिनिमम पूछना है। मिनिमम तब होता है जब हम काइंड ऑफ मिडिल वैल्यू पर फोकस करते हैं। तो कोशिश करिएगा कि मिडिल वैल्यू अगर देखें यहाँ पर तो ये 4 जो है ये हमारे काम का नंबर है, बिकॉज वो 6 के भी क्लोज है, 210 के भी क्लोज है, राइट। और यहाँ अगर हम गैप देखेंगे तो ये 1 का गैप है, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का, तो ये दोनों तो बराबर हो गए। लेकिन 4 से अगर 1 का गैप और 4 से 0 का गैप लेता हूँ तो वो होगा 3 + 4 7 होगा, जबकि 4 से 10 का गैप कितना हो गया 6, बट यहाँ पर हम इस वैल्यू को डबल कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है वैल्यूज पुट कर दीजिए। मैं जनरली जो बीच की वैल्यू है उस पर फोकस करता हूं। जैसे मैंने 4 पुट किया तो मॉडुलस 4 ये हो गया है 4, 4 माइनस 1 3, 3 का डबल 6, 4 माइनस 2 ये हो गया है 2, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 6 माइनस 2 मॉडुलस लेंगे तो 2, 4 माइनस 10 माइनस 6 मॉडुलस लेंगे तो 6 और 6 का डबल 12, सो 12, 14, 16, 20, 26। एक वैल्यू हमारे पास 26 आ गई। क्या हो अगर हम 6 पर फोकस करें। नाउ यहाँ पर आपको अगेन वैल्यूज पुट करके ही चेक करना होगा। 6 का मॉड्यूलस 6 हो गया है, 6 माइनस 1 5, 5 का डबल 10। जितना मैं 1 से दूर जाऊंगा उतनी ही वैल्यू मेरी डबल होती जाएगी। 6 माइनस 2 4, मॉड्यूलस 4 हो गया है, 6 माइनस 4 ये हो गया है 2, 6 माइनस 6 0 हो गया है और 6 माइनस 10 माइनस 4 का मॉडुलस 4, 4 का डबल 8। जरा हम ऐड करके देखते हैं यहाँ पर 16, 20, 22, 8, 30। हमारी वैल्यू बढ़ गई है। तो अगर मैं 4 से इधर जा रहा हूं तो वैल्यू बढ़ रही है। क्या हो अगर हम 2 पर ये वैल्यू कैलकुलेट करें तो देखिए 2 का मॉडुलस हो गया है 2, 2 माइनस 1, 1 का डबल 2, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 4 माइनस 2 मॉडुलस लेने पर 2, 2 माइनस 6 का मॉडुलस ये हो गया है 4, 2 माइनस 10 माइनस 8 का डबल 16 कर दिया विद मॉडुलस साइन। तो अगेन आप देखेंगे 16, 4, 20, 22, 24 एंड 2, 26। किसी और वैल्यू को हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। हमेशा हम कोशिश करते हैं बीच की वैल्यूज पर फोकस करना। तो हम चाहे x की वैल्यू 2 लें या x की वैल्यू 4 लें, हमारा आंसर 26 आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, the numbers -16 and then 2 raised to the power x plus 3 minus 2 raised to the power 2x minus 1 minus 16 and 2 raised to the power 2x minus 1 plus 16 are in an arithmetic progression। हमें x की वैल्यू निकालनी। तो ये हमारी एक टर्म है, ये हमारी सेकेंड टर्म है और ये हमारी थर्ड टर्म। जब 3 टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होती हैं तो मिडिल टर्म का डबल बाकी दोनों टर्म्स के सम के इक्वल। मिडिल टर्म को हम थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर कर देते हैं। 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 3 को हम लिख देते हैं 2 रेज़ टू द पावर x इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3 या 8। ऐसे ही इसे हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2x अपॉन 2 एंड माइनस 16। इसको अगर हम डबल करें तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो बाकी दोनों टर्म्स के सम के इक्वल होगी। सो ये है -16 और अगर हम यहाँ पर भी रिस्ट्रक्चर करें तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 2x अपॉन 2 प्लस 16 माइनस 16 और प्लस 16। तो यहाँ हमने कैंसिल कर दिया है। चलिए इसको जरा ओपन कर लेते हैं। 2 इंटू 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 16। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इस 2 को हम हटा सकते हैं और 16 इंटू 2 करेंगे तो ये वैल्यू 32। हम यहाँ पर इसे और इसे हटा सकते हैं। अब आप चाहें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए 2 raised to the power x को आप a मान लें, तो ये हो जाएगा 16 into a minus a square minus 32 is equal to a square। अगर ये सारी टर्म्स को हम राइट हैंड साइड ले जाएं तो a square plus a square over 2 minus 16a plus 32 is equal to 0। 2 अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2a square, ये हो जाएगा 32a और ये हो जाएगा 64। यहाँ से 2 हम हटा सकते हैं, तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया 3a square minus 32a plus 64 is equal to 0। मिडिल टर्म के हम 2 टुकड़े कर सकते हैं, वो हो गया है 3a square minus 24a minus 8a plus 64 is equal to 0। 3a अगर यहाँ कॉमन ले लें तो a माइनस 8, ऐसे ही माइनस 8 यहाँ कॉमन ले लें तो a माइनस 8। फाइनली a माइनस 8 हमने कॉमन ले लिया है, तो 3a minus 8 is equal to 0, a is equal to 8 और a is equal to 8/3। यहाँ पर हम a is equal to 8 वैल्यू पर फोकस करेंगे, अदरवाइज क्या होगा कि हमारी जो वैल्यू आएगी x की वो शायद लॉगरिथम में हम यहाँ पर निकालना पड़े। a equal to 8 पुट करते ही we can say x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 3 के।